सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़े कुछ शानदार एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो गाइस, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेक्सास प्रोसो की सबसे लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट अपडेट एंड नितिन चंडेल भाई की चैंपियनशिप की सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी। बढ़ते हैं आज को अपने पहले अपडेट की तरफ, जो कि हम लोग लेके आ चुके हैं रोहित विश्वकर्मा भाई की साइड से। तो प्रेजेंट टाइम में वो अपना रिसेंट का फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि वो क्लासिफिजिक डिवीजन एथलेट हैं एंड जो उनके कोच हैं वो द वन एंड ओनली अपने कुलदीप यादव भाई। तो आप लोग देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में अपने रोहित विश्वकर्मा भाई कैसे लग रहे हैं एंड ऑल्सो वो हम लोग को बताते हैं अपने प्रेजेंट माइंडसेट के बारे में कि मैं इन फ्यूचर क्लासिफिजिक डिवीजन में डोमिनेट करने वाला हूँ। हालांकि हम लोग बात करें उनके प्रेजेंट की फिजिक की, तो आप लोग देख सकते हो अभी इनको चेस्ट पर थोड़ा सा साइज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो फ्रंट लेग स्प्रेड वाला पोज करते हैं तो उनकी चेस्ट थोड़ी सी दबी दबी हम लोग को लगती है। एंड ऑल्सो उनके आर्म्स के मुकाबले डेफिनेटली अभी आप लोग देख सकते हो चेस्ट का साइज़ थोड़ा सा कम है, तो वहाँ कुछ जो माइनर इम्प्रूवमेंट है वो अपने अगर रोहित विश्वकर्मा भाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वो हम लोग को डोमिनेट करते नज़र आएंगे, खासतौर पर इंडियन क्लासिफिजिक डिवीजन लाइनअप के अंदर। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फिजिक अपडेट अपने अमित आगे भाई के साइड से। तो जब से इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है सेरू क्लासिक के स्टेज पर, तब से बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहे थे उनके फिजिक अपडेट के लिए। तो रिसेंट में एक रिसेंट का फिजिक अपडेट शेयर किया जाता है उनकी साइड से, जो कि उनके प्रेप मोड का ही होता है एंड ये लेटेस्ट अपडेट होता है, जैसे कि वो कैप्शन भी यूज करते हैं। एंड आप लोग देख सकते हो साइज वाइज वो थोड़े से इम्प्रूव्ड हुए हैं सेरू क्लासिक से एंड ज़्यादा साइज उन्होंने गेन नहीं किया, 2 से 3 kg उन्होंने साइज जो है वो अपना गेन किया है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो उनके शोल्डर के अंदर, उनके चेस्ट के अंदर हम लोग को फाइबर्स भी विजिबल हो रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न था कि अपने अमित गागरे भाई अपने ग्रोइंग सेशन के अंदर कहीं थोड़े से वर्किंग मोड पे ना चले जाएं, ताकि वो कंडीशन लेके ना पाए जो कि हमने एटलीस्ट उनकी सेरू क्लासिक में देखी थी, वो फाइबर से भरी हुई छिली हुई कंडीशनिंग। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग को एज इट इज़ वही अपने अमित आगरे भाई देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वो सेरू क्लासिक से पहले देखने को मिल रहे थे। उनकी चेस्ट में, उनके शोल्डर के अंदर काफ़ी अच्छे फाइबर्स हम लोग को नज़र आ रहे हैं एंड अभी धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा ड्राई एंड हार्ड होते जाएंगे। एंड जब वो अपने डिप्लेशन मोड के अंदर जाएंगे तो उनकी जो कंडीशन निकल के आएगी, मुझे तो लगता है कि ओलंपिया में हम उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पैकेज देखने वाले हैं एंड वही हम सब लोग चाहते हैं कि वो अपना 100% है। दैट्स इट, बाकी लेट्स सी। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सास प्रो शो के अंदर, जिसमें कि अपने एक इंडियन एथलीट कंपेयर कर रहे थे इन मेंस फिजिक डिवीजन, जिनका नेम है तन धालीवाल। तो आप लोग देख सकते हो जो फिजिक लेके आए थे, जो वो पैकेज लेके आए थे ऑन स्टेज, वो आप लोग देखो उनका जो कोर एरिया है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोग देखो कितनी ज़्यादा क्रिस्पीनेस, कितनी ज़्यादा हार्डनेस को वो शो करते नज़र आ रहे हैं। बात करें उनकी बैक की, तो बैक साइड से भी देखो कितनी ज़्यादा थिकनेस उन्होंने ऐड कर लिया एंड पहले के मुकाबले उनकी जो बैक है वो मच इम्प्रूवड है एंड उनकी बेस्ट भी काफ़ी अंडर कंट्रोल्ड है। बट वहाँ पर उनको थोड़ा सा साइज का इशू रहा, जिसकी वजह से वो फर्स्ट कॉल आउट से भी बाहर हो गए। बट नाउ हम लोग बात करते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रहा है एंड्रयू जैगट की साइड से। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि वो कॉम्पीट करने आ रहे हैं टेक्सास प्रो शो के अंदर एंड वो कुछ ही आवर्स आउट हैं अपने नेक्स्ट शो से, यानी कि इस साल के अपने पहले शो से एंड वो उसी में ऑब्वियसली क्वालिफाई भी हो जाएंगे। तो रिसेंट में जब वो चेक इन के लिए आते हैं तब आप लोग देखो उनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप ऑलरेडी क्रिएट है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर भी विनर रहे थे टेक्सास प्रो शो के एंड वहीं से वो जीत के हर साल क्वालिफाई भी होते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। बट इस बार जब वो अपने चेकिंग के दौरान आए थे तो उन्होंने अपना वेट इन भी दिया था एंड आप लोग देख सकते हो उनका जो वेट है वो आया 299 lbs, यानी कि 135 kg के अराउंड हम लोग को एंड्रयू जैगट देखने को मिल रहे हैं ऑन स्टेज। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं ये 135 kg के मांस मॉन्स्टर को अब फाइनली देखने के लिए, उनकी फिजिक फाइनली देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर से साइज वाइज तो सबको पता है वो मच इम्प्रूवड है, बट वो कंडीशनिंग, वो साइज जो उन्होंने न्यू मसल्स ग्रोथ करी है उस पर उनकी कितनी मसल मेच्योरिटी अभी आई है एंड उसी से अंदाजा लगाया जाएगा कि मिस्टर ओलंपिया में कैसे दिखने वाले हैं। बाकी लेट्स सी।
एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एंड हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सास प्रो शो के अंदर क्लास विजिट डिवीजन की, जिसमें कि ये एथलीट आप लोग देख सकते हो जिनका नेम है लास्लो क्लारी एंड ये हंगरी के बॉडी बिल्डर हैं। सो आप लोग देख सकते हो उनकी चेस्ट वैसे हम लोग को एंड मोस्ट ऑफ द उनके जो बॉडी प्रोपोर्शंस हैं वो वैसे ही हम लोग को देखने को मिलेंगे जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के। जी हाँ गाइस, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, बल्कि वहाँ के जो कमेंटेटर्स थे जिसमें कि रफ डीजल भी हम लोग को देखने को मिले थे, ये वर्ड्स उनके थे। ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक में आप लोग को वो सुना नहीं सकता, बट आप लोग क्या बताओ, आप लोग क्या सेटिस्फाइड हो इस स्टेटमेंट के साथ में कमेंट करके बताना। बात बाकी सो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ऑफ विजिट डिवीजन के एथलीट गैब्रियल के बारे में। तो आज से कुछ दिन पहले उन्होंने टेम्पर प्रोशो के अंदर कॉम्पीट किया था, जिसमें कि उनको सेकेंड प्लेसिंग आई थी। एंड आफ्टर शो उन्होंने बोला भी था कि जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते तब तक मुझे लग रहा था कि मैं ही विनर हूँ, बट रिसेंट में उन्होंने टेक्सास प्रो शो के अंदर कॉम्पीट किया था। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिसेंट में ही अप्रैल मंथ के अंदर ही ये न्यू क्लास ऑफ विजिट डिवीजन IIBB प्रो बने थे। एंड अभी आप लोग देख सकते हो टेक्सास प्रो शो के अंदर उन्होंने कितनी शानदार फिजिक, वो मोर हार्डनेस मोर ड्राइनेस के साथ में दिखाई जो टेम्पर प्रो शो के अंदर हम लोग को देखने को मिले थे। एंड ये जो फिजिक है उसी के साथ में वो फर्स्ट कॉल आउट एंड टॉप टू के अंदर आ गए। एंड गेस व्हाट, वो इस कैटेगरी को जीत भी गए। जी हाँ गाइज, एंड आई थिंक सो प्रो कार्ड अचीव करने के बाद में ये जो उनका शो है वो थर्ड या फिर सेकंड शो होगा जिसमें कि वो मिस्टर ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर गए। एंड गेस व्हाट, अगर वो जीते हैं किसी शो को तो उनका कंपैरिजन ना हो किसी के साथ में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो टेक्सास प्रो शो जीतने के बाद में उनका जो डायरेक्टली कंपैरिजन है वो होने लगा रमून तीनों से, जिसमें कि मैं तो बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अभी उनको काफ़ी मसल्स मास की ज़रूरत है अगर हम लोग उनका कंपैरिजन करने बैठेंगे रमून दिनों से। एंड वो समय के साथ ही धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे साइज उस पर जो मसल मेच्योरिटी है वो धीरे धीरे आएगी। डेफिनेटली उनका जो कंपैरिजन है वो रमून दिनों से करना कहीं से भी लेकर कहीं तक भी सही नहीं है। एंड एक चीज़ और है कि आज की बॉडी बिल्डिंग में हर किसी का कंपैरिजन किसी से भी हो जाता है, जबकि जब एक ऐसे एथलीट से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है जिसने कि एक बहुत ही हायर स्टैंडर्ड सेट कर दिए क्लास ऑफ विजिट डिवीजन में खुद का, लेकिन अभी एक न्यू IIBB प्रो बने एथलीट से उनका कंपैरिजन होता है, तो डेफिनेटली एथलीट को भी थोड़ा बुरा लगता होगा जब वो देखते हैं ये सब। तो बट बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये तो रीति रिवाज सी बन गई है कि जब भी कोई एथलीट एक नामी शो को जीतता है तो उनका जो कंपैरिजन है वो डायरेक्टली टॉप ओलंपियन से करा दिया जाता है। बाकी मैं खुश हूँ उनकी विक्ट्री के साथ में, वो मच डिजर्विंग भी थे। बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस वो करते हैं। बात करें टेक्सास प्रो शो की मेंस विजिट डिवीजन की, तो ये आप लोग देख सकते हो ये टॉप फोर कॉल आउट कराया गया था। एंड इसी शो के एंड इसी डिवीजन के अंदर डेफिनेटली जो अपने तन धानियल भाई थे वो कॉम्पीट कर रहे थे, एंड वो आई थिंक सो सेकंड कॉल आउट के अंदर आए थे, जो कि मेरे को कन्फर्म्ड नहीं है। बाकी ये टॉप फोर एथलीट हैं जो कि आप लोग देखो मच डेवलप्ड मच प्रोपोर्शनेट एंड मच मच एंड मोर बैलेंस्ड फिजिक के साथ में आए थे। आप लोग देखोगे ऐसे उनको कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है जो कि किसी अदर बॉडी पार्ट को डोमिनेट कर रहा हो या फिर उसको पीछे छोड़ रहा हो। एंड सभी एथलीट काफ़ी अच्छे थे, बट इस कैटेगरी को जिसने जीता है उनका नेम है जेरेमिया मैक्सी, तो उन्होंने इस कैटेगरी को जीत लिया एंड क्वालिफाई हो चुके हैं इस साल के मिस्टर ओलंपिक 2024 के लिए इन मेंस विजिट डिवीजन। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम माइकल द वूल के बारे में। तो जैसे आप लोग को पता होगा रिसेंट में इनके साथ में काफ़ी सीन भी हो गए थे, किसी प्रो शो के अंदर गए थे जिसमें वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको काफ़ी कुछ बोला एंड हाथपाई भी की थी। बट रिसेंट में उनकी साइड से अपडेट आता है, नहीं ये उनका फिजिक अपडेट अपना रिसेंट का अपडेट तो नहीं है, ये उनका पुराना ही अपडेट आई थिंक सो जब वो आर्नो क्लासिक में कॉम्पीट करने आ रहे थे उस टाइम का ये उनका फिजिक अपडेट रहा होगा। बट रिसेंट में वो हम लोग को बताते हैं एंड ये कन्फर्मली हम लोग को बताते हैं कि उन्होंने अपने कोच चेंज कर दिए हैं। जी हाँ गाइज, उनके जो न्यू कोच होने वाले हैं उनका नेम है अहमद अक्सर। जी हाँ गाइज, ये वही हैं जो कि अहमद अक्सर कनानी के जो कोच हैं, एंड अब वो माइकल द वूल को भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनके अंडर ही माइकल द वूल कोचिंग करने वाले हैं। सो देखते हैं आखिरकार माइकल द वूल इतने कम टाइम के अंदर अपने जो कोच हैं उनको चेंज किया है, एंड डेफिनेटली अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है क्योंकि वो अपना कमबैक भी करेंगे आर्नो क्लासिक बाद में, चूँकि इस साल काफ़ी बुरा घटा है अभी तक उनके लिए। एंड देखते हैं इस साल उनकी जो फिजिक है वो हम लोग को प्रीवियस ओलंपिया से कैसी देखने को मिलती है, कितने इम्प्रूव्ड वो आते हैं इस साल। बाकी लेट्स सी। एंड नाउ हम लोग बात करने वाले हैं
आज की एक बहुत ही मस्ट सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंग अपडेट के बारे में जो कि निकल के सामने आ रही है हंटर लवराड़ा की साइड से। तो हंटर लवराड़ा जैसे आप सभी लोगों को एंड हम सभी लोगों को पता है कि वो इटली प्रो शो के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं फॉर गेट द टिकट ऑफ मिस्टर ओलंपिया फॉर 2024। एंड रिसेंट में वो अपना फिजिक अपडेट एंड बॉडी चेक इन भी करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, धीरे धीरे वो काफ़ी हार्ड होते जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा उनके बैकग्राउंड में, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा हंटर रिसेंट में विजिट करने गए थे टेक्सास प्रो शो को एंड वहीं उनको हैनी रैम्बॉर्ड मिल जाते हैं। एंड फिर क्या होता है उनके साथ में वो अपनी बॉडी चेक इन भी कर लेते हैं। आप लोग देखो हंटर लवराड़ा के पीछे हैनी रैम्बॉर्ड खड़े होते नजर आएंगे एंड उनकी फिजिक को देख के वो स्माइल भी कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ी सी उनको टिप्स एंड ट्रिक भी दी होगी, आई थिंक सो पोजिंग की, या फिर अभी उनको जो 3 वीक्स बाकी हैं उसमें उनको और क्या काम करना है ताकि वो इजीली एंड मैं कहना चाहूँगा वन साइडेडली वो इटली प्रो शो को जीत के हम लोग को दोबारा से खेलते नजर आए एंड देखने को मिले मिस्टर ओलंपिया 2024 की स्टेज पर। एंड जैसे मैंने बोला वही वो टिप्स, वही वो पोजिंग टिप्स देते हुए नजर आए थे हैनी रैम्बॉर्ड हंटर लवराड़ा को। बाकी देखते हैं कि अब हंटर लवराड़ा 3 वीक्स बाद कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्या वो टिकट ले पाएंगे इस साल की मिस्टर ओलंपिया की, वो तो तभी पता लगेगा जब उनके कॉम्पिटिटर्स को भी हम लोग देखेंगे। बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस वो करते हैं इस साल के इटली प्रो शो के अंदर। बाकी लेट्स सी एंड नाउ बात बाकी सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जल्दी एंड सबसे पहले आप लोग को टेक्सास प्रो एंड जो नितिन चंडेल भाई के चैंपियनशिप है सबसे पहले आप लोग को अपडेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए आए हों। बात बाकी मैं मिलता ना इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।